आज बनाएंगे पत्ता गोभी की एकदम नई और नए तरीके से बनने वाली रेसिपी। तरीका भी नया है, रेसिपी भी एकदम नई है, और अगर एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे दोस्तों, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पत्ता गोभी की रेसिपी कुछ इस तरीके से भी तैयार की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें पत्ता गोभी की ये यम्मी रेसिपी को शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक फूल पत्ता गोभी का ले लेना है और इसके ऊपर से बड़े बड़े जो इसके पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्तों का इसमें खासा इस्तेमाल होने वाला है। 5 से 7 जितनी भी आप क्वांटिटी में ये रेसिपी तैयार करना चाहते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में इसके बड़े बड़े कुछ पत्ते निकाल लीजिए एक एक करके। तो दोस्तों, मैंने लगभग 5-7 पत्ते निकाल लूँगा, और अब फटाफट से दोस्तों, मैंने एक पैन रखा है जहाँ पे मैं इन पत्तों को बॉईल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्ते निकाल लिए हैं। अब चलते हैं गैस की ओर, जहाँ पे मैंने इसे उबालने के लिए कुछ पैन में पानी रखा है। तो चलिए सारे के सारे पत्ते इसमें एक एक करके डाल लेता हूँ। पत्ते धीरे धीरे नरम और गाढ़े हरे रंग के होने लगेंगे, अभी आप देखेंगे। और जो पत्ता गोभी बच गई है इन 5 पत्तों के बाद, उस पत्ता गोभी को आपको छोटा छोटा काट लेना है। मैं इस पत्ता गोभी की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह पत्ता गोभी बच गई थी हमारी, तो चलिए इसको फटाफट से काट लेते हैं। आप देखेंगे ये पत्ता गोभी अच्छे से बॉयल हो रही है, तो इसकी साइड को आप अच्छे से पलट लीजिएगा और इसको आपको एकदम नरम कर लेना है। वहीं पे जो पत्ता गोभी काटनी है उसको भी फटाफट से काट लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे पानी में ये उबलती जाएगी उतना ही गहरा इसका हरापन आ जाएगा, और ये खासियत है कि ये पत्ता गोभी ताज़ी है। तो चलिए ये फटाफट से चॉप कर लेते हैं। इतने वहाँ भी आपको कब तक उस पत्ता गोभी को बॉईल करना है, लगभग 10 मिनट मीडियम आंच पे, और तेज़ आंच हो तो 7-6 मिनट काफ़ी है, मतलब सॉफ्ट हो जाए, ये जो पत्ता है इसका सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और अगर पहले से ही सॉफ्ट है तो 3-4 मिनट में भी आपका काम हो सकता है। आप देख सकते हैं पत्ता गोभी हमने पतली पतली काट ली है, और गिलास की मदद से इसे थोड़ा सा और मुहिम कर लिया ताकि और पतली और छोटी छोटी हो जाए। वहीं पे जो पत्ता गोभी हमारी बॉयल हो रही थी, ये लगभग बॉयल हो चुकी है, बस 1.5 मिनट और रखेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देते हैं और इसको अब थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ देंगे। साइड में एक पैन और ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल और जीरा, 1 कटा हुआ प्याज, और इसको भून लेते हैं। इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं, 2-3 ही मिनट लगेंगे, उसके बाद इसमें हम कुछ सामग्री और डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें मटर डाल रहे हैं, मटर को भी ऐसे ही भून लीजिए। मटर के बाद दोस्तों हम इसमें और कुछ सामग्री डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है, और अब टमाटर डालेंगे। इसको अच्छे से आप पका लीजिए, पकाने में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। पकाने के लिए थोड़े से अगर आपको पानी की भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। साथ ही में मैंने दोस्तों एक आलू उबला हुआ रखा था, वहाँ पे पत्ते ठंडे हो गए हैं, एक आलू उबला हुआ रखा था, वो आलू भी मैं इसमें डालूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा पका लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उबला हुआ आलू मैंने मैश करके रखा है वो इसमें डालेंगे, और जो पत्ता गोभी हमने काटी थी वो भी इसमें डालेंगे। ये आलू मैश करा हुआ रखा है मैंने, ये भी इसमें डाल दिया, ये उबला हुआ आलू था मैश किया हुआ, और अब जो पत्ता गोभी हमने शुरू में काटी थी वो भी इसमें डालेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़े मसाले डाल लेते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी ज़्यादा नहीं पकानी, खड़ी खड़ी रखनी है, इसलिए स्वाद अनुसार आप नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, जो भी आपको पसंद हो डाल लीजिए। अच्छे से घुमा के फटाफट से इसमें पत्ता गोभी ऐड कर लीजिए, और पत्ता गोभी को 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद पका लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से घुमा लीजिए, और ये जो पत्ता गोभी है ये आपकी अच्छे से पक जाएगी। ये आपको कितनी देर पकाना है मैं बताता हूँ। पत्ता गोभी ना ज़्यादा कच्ची हो ना एकदम मुलायम हो जाए, खड़ी खड़ी सी रहे, इसका स्वाद थोड़ा सा क्रंचीनेस बचे इसमें, बस तब तक आपको इसको पकाना होगा। और ये काम आपका 3-4 मिनट में अगर आप ढक के पकाएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम झटपट इसको ढक लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो पत्ता गोभी की स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। ये लगभग पक चुकी है, तो अब इसमें मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, वो है टमाटो केचप, ताकि इसमें थोड़ा टेंगी चटपटापन आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और दोस्तों ये जो हमारी पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है ये तैयार है। ये हम स्टफिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो पत्ता गोभी हम बॉयल कर रहे हैं
उसकी स्टफिंग इससे की जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल में हमने ले लेना है थोड़ा सा बेसन, लगभग 3 से 4 चम्मच, और थोड़े मसाले डाल देने हैं स्वाद अनुसार, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च, दैट्स इट। थोड़ा पानी डाल दीजिए इसको घुमाने के बाद, और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट बिल्कुल भी पतला ना हो, जितना गाढ़ा होगा उतना बढ़िया है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा मीठा सोडा डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। ये अच्छे से गाढ़ा पेस्ट तैयार है। तो अब जो हमने पत्ता गोभी बॉयल करके रखी थी वो निकाल लेते हैं एक छलनी में, जहाँ उसका पानी अच्छे से निकल जाएगा और पत्ता गोभी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। ये देखिए सारी की सारी हमने निकाल ली है। अब इस पत्ता गोभी में जो हमने पत्ता गोभी की सब्जी तैयार करी है उसकी स्टफिंग करेंगे एक यूनिक तरीके से, वो तरीका ये देखते हैं। एक बड़ा पत्ता लिया, उसको खोला, खोलने के बाद इसमें एक कोने पे स्टफिंग का एक चम्मच रखा भर के, और उसके बाद इसको अच्छे से रोल कर दिया। तो चलिए ये देखते हैं इसको रोल करना कैसे है। कोने में रखा, थोड़ा सा घुमा के पहले इसको पूरा का पूरा ढक लिया। ये देखिए एक रोल थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ये ढक चुका है। अब फोल्ड करें ऊपर और नीचे से, और फिर आगे और ढक दिए ताकि ये जो है पत्ता खुले नहीं और इसकी स्टफिंग बाहर निकले नहीं। तो चलिए ये एक और भी करके दिखाते हैं, इसे साइड करते हैं और एक और ले लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोबारा से कोने पर थोड़ी स्टफिंग रखिए, थोड़ा सा घुमाइए, और घुमाने के बाद अंदर दबाइए। देखिए कैसे कह रहे हैं, थोड़ा घुमाइए, जैसे ही स्टफिंग ढक जाए अब आगे वाली साइड से फोल्ड कीजिए ताकि स्टफिंग खुले नहीं, पत्ता खुले नहीं, फैले नहीं स्टफिंग, और ये ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए है ना कितना सुंदर, ऐसे सारे के सारे करके रख लिए हैं दोस्तों। अब जो बेसन हमने घोल के रखा था उसमें इसको डुबा के हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक पैन लिया जो जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और जो पत्ते हमने स्टफ़ करके पत्ता गोभी के रखे थे थोड़ा सा बेसन में डिप करा, और इसमें इसको भून लेना है, पका लेना है। और ये बढ़िया पत्ता गोभी रोल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बनके तैयार है। ये पत्ता गोभी रोल हमेशा कभी भी बनाइए, मज़ा ना आए तो बोलिएगा। ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, सीखने के बाद इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसे पलट लीजिए, थोड़ा सा करारा करके पलटिएगा, उतना ही अच्छा इसका स्वाद आएगा, जितनी करारी हो जाएगी, और उससे फिर बेसन भी जो है कच्चा नहीं रहता। ये देखिए बस ये थोड़ा कम पका है, इसे हम ज़्यादा पका लेंगे। अब एक एक करके इसे प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है हमने उसके ऊपर निकाल लीजिए। ये पत्ता गोभी रोल आपका लगभग बनके तैयार है। तो चलिए मैं इसे फटाफट प्लेट में निकाल लेता हूँ, और आपको ये पत्ता गोभी रोल कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिसने भी ये कभी भी हमारे घर पर खाया है उसे तो बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, आशा करता हूँ आपको भी स्वादिष्ट लगा होगा। टिश्यू पे सारा ऑयल निकल गया है, तो प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं चलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।